जय श्री शनिदेव। शनि प्रदोष व्रत 2023, शनि प्रदोष व्रत राशि के अनुसार इन चीज़ों का दान करें। शनि प्रदोष व्रत पर विशेष उपाय किए जाते हैं। भक्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। भक्तों, आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि शनि प्रदोष 2023 में कब है और कब रखा जाएगा शनि प्रदोष का व्रत, और आप अपनी राशि के अनुसार किन चीज़ों का दान करने से भगवान शनिदेव की कृपा तथा सभी भौतिक सुखों का आनंद अपने जीवन में ले सकते हैं, तथा शनि की साढ़े साथी से कैसे मिलेगी आपको मुक्ति, और किन उपायों के द्वारा भगवान शनिदेव होंगे प्रसन्न। भक्तों, शनि प्रदोष पर विशेष रूप से उपाय किए जाते हैं जिससे भगवान शनिदेव प्रसन्न हों। आपकी राशि के अनुसार इन चीज़ों का दान कर सकते हैं, और हर माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान आशुतोष महादेव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है, और हिंदू धर्म में त्रयोदशी तिथि का अपना ही एक विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 1 जुलाई 2023 को है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करना, मृत्युंजय मंत्र का जप करना या महामृत्युंजय का जप करना या मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करने से अनेकों अनेक लाभ आपको और हमें हमारे जीवन में मिलते हैं। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, और भक्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का व्रत रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि शनिवार को होने के कारण इस प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है, इसलिए इसको शनि प्रदोष भी कहा जाता है, और महादेव या शनि की पूजा करने के लिए यह शनि प्रदोष का व्रत विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। शनि प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ और इसके अलावा भगवान शनिदेव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। भक्तों, पौराणिक मान्यता है कि भगवान शनिदेव के जो गुरुदेव हैं वह भगवान आशुतोष भगवान भोलेनाथ हैं। पौराणिक मान्यता है कि शनि प्रदोष का व्रत करने से सभी दुख कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं, उस व्यक्ति में के जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता, साथ ही साथ भगवान शनिदेव के साथ साथ भगवान आशुतोष की कृपा भी उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। भक्तों, साथ ही साथ उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शनि प्रदोष व्रत पर आप राशि के अनुसार किन उपायों को कर सकते हैं और क्या उपाय शनि प्रदोष व्रत के दिन किए जाते हैं, भक्तों, राशि के अनुसार आप भी इन चीज़ों का दान कर सकते हैं, इससे आपके जीवन में एक अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। भक्तों, राशि के अनुसार आप किन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। भक्तों, सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों को शनि प्रदोष के व्रत के पुण्य पर्व पर काले छाते का दान करना चाहिए, इससे आपके जीवन में भगवान शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी तथा शनि की साढ़े साथी से भी आपको मुक्ति मिलेगी। सेकंड नंबर पर वृषभ राशि के जातकों को शनि प्रदोष के दिन काले कपड़े का दान जरूरतमंदों को देना बेहद लाभकारी और कल्याणकारी माना गया है। आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में भगवान महादेव की कृपा और भगवान शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। थर्ड नंबर पर मिथुन राशि के जातकों को सरसों के तेल का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन अगर आप सरसों के तेल का दान करते हैं तो भगवान शनिदेव की कुदृष्टि से आप बच सकते हैं, और शनि के साढ़े साथी से भी या ढैया से आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। भक्तों, फोर्थ नंबर पर कर्क राशि के जातकों को शनि त्रयोदशी के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को खाना अवश्य खिलाना चाहिए, इससे आपको भगवान महादेव की कृपा और शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। फिफ्थ नंबर पर सिंह राशि के जातकों को शनि प्रदोष के व्रत पर वस्त्र और अन्न का दान
अवश्य देना चाहिए। इससे आपके जीवन में आपको सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी तथा आपके जीवन से हर संकट समाप्त हो जाएगा। सिक्स नंबर पर कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों को शनि प्रदोष के दिन काले कंबल और क्षत्रिय का दान अवश्य करना चाहिए। अगर कन्या राशि वाले जातक इस दिन काले कंबल और काली क्षत्रिय का दान करते हैं तो उनको भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और शनि की अशुभ दृष्टि से भी आप बच सकते हैं। सेवंथ नंबर पर तुला राशि, भक्तों तुला राशि के जातकों को शनि प्रदोष के दिन काले कंबल, काले रंग के वस्त्र और सरसों या तिल का तेल का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आपको सुखों की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि का वास होगा तथा सभी भौतिक सुख आपके जीवन में बने रहेंगे। एट नंबर पर वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों को शनि प्रदोष के दिन लोहे के बर्तन या काले वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आप भगवान शनिदेव के प्रिय हो जाएंगे और भगवान शनिदेव की कुदृष्टि से आप बच जाएंगे और शनिदेव के कुप्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी। नाइन्थ नंबर पर धनुराशि, धनुराशि के जातकों को शनि प्रदोष के दिन चमड़े के जूते या काले छाते का दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान महादेव के साथ साथ आपको भगवान शनिदेव की कृपा भी अवश्य प्राप्त होगी। टेंथ नंबर पर मकर राशि, मकर राशि के जातकों को शनि प्रदोष के दिन काले कपड़ों के साथ साथ काली खाद्य वस्तु, काले रंग की जैसे काले उड़द हो गए, चाय पत्ती हो गई, ऐसी वस्तुओं का आपको किसी भी धर्म स्थान में दान करना है या किसी ज़रूरतमंद को आप अवश्य इन वस्तुओं का दान दें। 11 नंबर पर कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों को शनि प्रदोष के दिन विशेष रूप से भगवान शनिदेव और महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे महादेव की कृपा के साथ साथ आपको शनि की कृपा भी प्राप्त होगी तथा शनि के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलेगी। 12 नंबर पर मीन राशि, मीन राशि के जातकों को शनि प्रदोष के दिन श्वेत वस्त्र, सफ़ेद वस्त्रों का, सफ़ेद फल का, दूध दही चावल घी और सभी मूंग की दाल, टमाटर आलू कद्दू देसी घी और दीपक, इन वस्तुओं का दान करना विशेष लाभकारी माना गया है। भक्तों अगर आप इन वस्तुओं का दान कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको शनि पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, शनि की साढ़े साथी से मुक्ति मिलेगी, शनि की अशुभ दृष्टि से भी आपको मुक्ति मिलेगी। भक्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगला मुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुँचाएँ ताकि हर व्यक्ति को अपने जीवन में शनि की पीड़ा से मुक्ति मिले और भगवान शनिदेव और महादेव की कृपा उन लोगों पर प्राप्त हो सके। जय मां बगलामुखी, श्री बगलामुखी सर्वदा सहाय।